जुमे की नमाज को देखते हुए पुलिस प्रशासन के अधिकारी फोर्स के साथ इलाकों में गश्त करते रहे। खास तौर से संवेदनशील इलाकों में गश्त की गई, साथ ही लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की भी अपील हुई। 3 जून शुक्रवार कानपुर में जुमे की नमाज के बाद जमकर बवाल हुआ था। 10 जून शुक्रवार जुमे की नमाज के बाद प्रदेश के कई जिलों में बवाल हुआ, देश के कई जिलों में बवाल हुआ। 17 जून शुक्रवार को देखते हुए पूरी तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। पुलिस सुबह से ही सड़कों पर नजर आई, शहर से लेकर देहात तक पुलिस पैदल सड़कों पर गश्त करती दिखाई दी। संवेदनशील इलाकों पर पैनी नजर थी। पुलिस के आला अधिकारियों के साथ पुलिस के जवान और रंग रूट भी गश्त करते दिखाई दिए। भारी भरकम फोर्स संवेदनशील इलाकों में घूमता दिखाई दिया। पुलिस के आला अफसर हालातों पर पूरी नजर रखे हुए थे। संवेदनशील इलाकों पर लगातार नजर रखी गई, सोशल मीडिया पर भी नजर रखी गई। खुरापाती तत्वों पर और शरारती तत्वों पर पैनी नजर थी। आज पुलिस लाइन्स में फ्राइडे परेड थी और परेड में उपस्थित रिक्रूट्स और सिविल पुलिस के कभी सभी अधिकारी कर्मचारी जो कि लगभग 350 की संख्या में थे, इन सभी को मार्च ऑफ के बाद शहरी क्षेत्र में ले जाया गया और सभी के द्वारा थाना मंटोला, थाना रकाबगंज, शाहगंज और सदर और ताजगंज, इन इलाकों में रूट मार्च कराया गया, फुट पेट्रोलिंग कराई गई और लोगों में एक विश्वास की भावना जागृत की गई। वहां पर मेरे द्वारा स्वयं भी लोगों से बातचीत की गई और सभी ने बताया कि सभी लोग शांति के साथ रहना चाहते हैं और मेरे द्वारा उनसे अपील की गई है कि किसी के बहकावे में ना आए, किसी सोशल पोस्ट को देखकर बहकावे में ना आए और शांति के साथ अपनी नमाज अदा करके अपने घर को जाए। हालांकि तमाम मौलवियों ने नमाज के बाद अपने अपने घर जाने की हिदायत दे रखी थी, बावजूद इसके पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर रहा। राकेश कनौजिया, सी न्यूज, आगरा।